गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी को एक ट्वीट किया जिसका सार था, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के अंदर खूब जोश मारा, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब अभी मजा आएगा ना भिड़ो लगते मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया था, तेज मत बनिए लॉरेंस। अब जरा इन साहब को देखिए, नाम है नदीम अली। सोशल मीडिया पर आपको इसके कई वीडियो मिल जाएंगे। इन जनाब ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ताल ठोकी थी। जरा देखिए किस तरह इनके भी हालात और जज्बात बदल गए। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए ले थे, अब जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को, मुंबई के शेर जाग गए, हमारी बीबी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आ जा तेरे भेज या शूटर ना। बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लॉरेंस तू गैंग वार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तूने तेरे समाज के सामने ये किया क्लियर कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, तू सच्चा इंसान है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ लॉरेंस तू समझदार है, तेरे एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षक और गौशाला खोलना चाहता है, तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको हमने दिखाया ही था कमाल राशिद खान ने लॉरेंस बिश्नोई पर क्या कहा था। उन्होंने लिखा था चल हट हवा आने दे, लेकिन अचानक इनका भी मूड बदल गया। कमाल खान ने एक और ट्वीट किया, इस ट्वीट में एक पानी की बोतल पर लिखा है बिश्नोई और साथ में कमाल खान लिखते हैं ये नया ब्रांड है, सबको ठंडा कर देता है। अब इससे क्या समझा जाए, लॉरेंस बिश्नोई का डर या फिर हृदय परिवर्तन। खुद को दबंग कहने वाले लोग डॉन लॉरेंस को धमकाते तो हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके जज्बात 360 डिग्री घूम जाते हैं, हालात और जज्बात पूरी तरह पलट जाते हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी